जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, लगातार बयानबाजियों से सुर्खियों में रहे। आपको बता दें कि बीती रात जिस तरीके से तेजस ट्रेन में वो सफ़र कर रहे थे और गंजी और बनियान में उनकी तस्वीरें सामने आई, उन्होंने यात्रियों से बहस किया है। इस तरह की जो तमाम खबरें निकल कर सामने आई है और कई लोगों से बहस के बाद गोपाल मंडल ने अपनी सफाई भी पेश की है, लेकिन इस पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का बयान सामने आया। अशोक चौधरी ने कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से मीडिया में जो बातें आ रही हैं वही हमने देखी है, लेकिन इसके पीछे क्या परिस्थितियां रही है इस बात की अभी जानकारी हमें नहीं है। और लगातार जिस तरीके से उन पर आरोप लगते रहा है, तो इस पर भी अशोक चौधरी ने कहा है कि पार्टी में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ नरम मिजाज के, कुछ गर्म मिजाज के। सुनिए अशोक चौधरी का पूरा बयान। देखिए, हम लोगों ने भी न्यूज़ के माध्यम से ही देखा है, सुना है, अभी हम लोग उनका वर्जन नहीं जानते कि क्या परिस्थिति है, लेकिन कोई लिखित कंप्लेन किसी पैसेंजर ने नहीं किया। आपस में हुआ था, उस पर टीटी ने और आरपीएफ ने इंटरफेयर करा के उनको वहाँ पर कहा। कभी कभी क्या होता है, जब लेट आदमी रहता है, सोया रहता है, तो गंजी वंजी में निकल जाता है, लेकिन है कि इन सब मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। जब आप सार्वजनिक जगहों पर हैं तो आप माननीय हैं, इन सब मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सर, यात्री उनको टोकते हैं तो अपना विधायकी का धमकी वो देते हैं, जब यात्री उन्हें बोलते हैं कि इस तरह आपको नहीं, इसका ये तो एक, हम लोग क्योंकि गोपाल मंडल जी से बात नहीं हुई है तो एक तरफ का वर्जन है, लेकिन किसी ने कोई लिखित शिकायत उनके खिलाफ नहीं किया, इसीलिए हम लोगों को जो अखबार में पढ़ा है उतना ही न्यूज़ हमें भी जानकारी है। जब तक कि उनका वर्जन नहीं जानेंगे तो हम कैसे उनको डिफेंड कर सकते हैं। इसके पहले भी विधायक जी कई कारनामे कर चुके हैं, कई हरकतें कर चुके हैं, जो पार्टी को पता है या पार्टी के संज्ञान में है। ये पार्टी के संज्ञान में है, पार्टी के संज्ञान में जो, देखिए, कुछ लोग का स्वभाव थोड़ा गर्म होता है, कुछ लोग नरम स्वभाव के होते हैं, हर कोई पार्टी में हर तरह के लोग रहते हैं, व्यवहार स्वभाव से थोड़े गर्म मिजाज के हैं, तो कभी कभी हमने कहा कि जो खुद को शोभा नहीं, आपको खुद अच्छा नहीं लगता हो, वैसा कोई भी कार्य दूसरे के लिए नहीं करता। आपके सामने कोई गंजी अंडरवेयर में लोग घूमेगा तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा, आप घूमिएगा तो नेचुरली दूसरों को भी अच्छा लगेगा। सिंपल बात। और सार्वजनिक जगह में खास करके जब आप राजनेता हैं, आपको लोग एडमायर करता है, किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, आपके नेता इतने शालीन हैं, मर्यादा का ख्याल है। तो पार्टी अपने तरफ से कोई जांच करे। अब उनका वर्जन सुनने के बाद ही ना, एक तरफ इसे क्या होता है, कभी कभी आप जब ट्रैवल करते रहते हैं या कुछ रहते हैं तो आप गंजी में, कि हम लोग भी बहुत बार ट्रैवल किए हैं यंग एज में, गंजी वंजी में आप चले गए बाथरूम हाथ धोने, कुछ मैंने क्या परिस्थिति रही थी, नहीं रही थी। स्वीकार किए सर, उन्होंने कहा कि मेरी पेट खराब थी इसलिए मैं गंभीर में, वो खुद स्वीकार किए। हो सकता है कि परिस्थिति होगी, उनका हम नहीं जानते, वर्जन नहीं जानते, हमारा उनके बाद उनके लिए ये कहना, लेकिन ये बात सत्य है कि किसी ने कोई लिखित शिकायत नहीं किया और जो हुई वो अच्छा नहीं, नॉट गुड।